क्लास एट बेटा पाठ 18 असी अगे पढ़ांगे। असी पढ़े करते सी थे कि उथों जिहड़ा कहिंदा कि दूरों कई जिहड़े आ दूर दूर तक कई पिंड दिसदे सन। छत उत्ते कई थाई कुंडे नुमा डूंगे बर्तन बने हुए सन। उन्हां बारे लखा सिंह ने दस्या कि इन्हां बर्तनां विच जानवरां दे पीण वास्ते पानी भर दिता जांदा है। छत उत्ते एक उच्चा बुरज बनिया हुआ सी जो छत तों 6-7 फुट उच्चा सी। उस उत्ते चढ़ के खड़े होण दा पूरा प्रबंध सी ते लोग की करदे सन इत्थे आंदी जांदी बरात ते कोई काफिला जिहड़ा कोई आ रहा सी उस बारे जानकारी प्राप्त करन लई इस नूं वरतदे सन। ठीक है, फिर कहिंदा फिर की सानूं दसदा है कहिंदा लेखक कि मैं हुण लखा सिंह जी नूं नाल लै के पिंड विच चक्कर मारन लई चल पिया। मैं वेख रहा सां कि अक्सर लोगों के घर दियां ड्यूड़ियां ते जां चवारियां ते बरांडियां विच कहिंदा पंछियां दे पीण लई कहिंदा बेटा उन्होंने डूंगे अते पंछियां दे आड़ने वास्ते उन्होंने टोकरियां टंगियां हुई सन। इस बारे कहिंदा उह दसन लगे सरदार जी कहिंदा कि काका अजकल पंछियां दे वास्ते कहिंदा जगह कित्थे बची है। ना लोगों ने कहना दरख्त छड़िया ना छप्पड़ टारे जिथे चिड़िया अपने आले बना सकन। छप्पड़ तलाब भी लोगों ने पूर दिते हैं बेचारे पशु पंछी कहना पानी कितों पीण। तो उन्होंने की किया कि अपने पिंड की फिरनी के आले दुआले चारे पासे कहना पक्कियां ही होदियां बनवातियां ता जो कहना आवारा कोई भी पशु पंछी जो है पानी पी सके। कहता फिर तो कहता हूँ की है बाग भी कहता साढ़े कहता पिंड कहता एक मोरां का बाग हुंदा सी ते ओ कहता बाग कट्टिया गया इस नाल कहता साढ़े पिंड मोरां की जिंदगी नूं खतरा पै गया। कहता साड़ी पंचायत मोरां दे रहण वास्ते की कर रही है कि एक पंचायत की जमीन विच बाग लगवाण दी तजवीज बना रही है। चलते चलते लखा सिंह रुक गए तो कहन लगे भई जवाना हूँ अपना गरीब खाना आ गया तो कहता तू दोपहर का कहता हूँ तू इत्थे ही खाना जिहड़ा ओह खा लईए। कहिंदा फिर घर जांदिआं नूं रस्ते विच सरदार जी ने मेरे नाल काफ़ी जिहड़ियां कहिंदा गल्लां बातां कीतियां। फिर कहिंदा मेरे बारे भी उन्हें जानिआ कहिंदा फिर मैं उन्हूं दस्सिआ कि मैं चंडीगढ़ तों अपनी पढ़ाई पूरी करके आया हाँ तुहाडे पिंड दा हल्टी वाला मोड़ मेरे पिता जी दे नानका पिंड दे राह विच पैंदा है। साढ़े घरदिआं दा इस मोड़ तों लंघना कोई 50-60 साल तों कहिंदा बणिआ होइआ है। कहिंदा इस करके कहिंदा मेरा इत्थे जिहड़ा आना जाणा बचपन तों ही बणिआ होइआ सी ते मेरे दिल दी इच्छा सी कि मैं इत्थे आवां ते पिंड वालों का प्यार ते सेवा भावना ने ही मैं इस पिंड के दर्शन करने लिए प्रेरिया है। घर पहुँच के लखा सिंह खंगूरा मारते हुए कहता है वो अपने जिहड़ी है अपनी नूह है बेटा तो उसनू की है कहता कि रोटी जिहड़ी है वो बना दो। ठीक है, फिर कहता एक कुंड वाली बीबी सानू खाना परोस गई साग नाल भरी हुई कोली विच खूब मक्खन तारिया सी नाल मक्की दी रोटी ते अचार ते कहता गंढे खा के स्वाद आ गया। खाना खांदे खांदे लखा सिंह ने अपने घर वालों बारे दस्या कि ये जो मतलब कहता कि मैं पिंड दा सरपंच हाँ तो कहता एक मेरा बेटा ब्याया हुआ है और कहता दूसरा जिहड़ा है वो ये कहता उसकी घरवाली दूजा कहता चंडीगढ़ पढ़ता है उस चंडीगढ़ मिल कहता उसकी माता गई हुई है। कहता साढ़े पिंड कोई भी कहता पंचायत की चोन वोटा नाल नहीं होंगी सगो कहता सर्व संपत्ति नाल हो जाती है। कहता कि कोई भी जिहड़ा है वो विरोध नहीं करता तकरार नहीं करता। कहता लोग ज़्यादा राजनीति विच विश्वास नहीं करते बस अपने काम वल तवज्जो रखते हैं ते दिन अपने कहता अपने आप में ही वह मस्त रहते हैं। ठीक है, तो पढ़ाई वाल ध्यान रखते हैं बच्चे सेहत वाल ध्यान रखते हैं तो जिन्हों लोगों ने कहता कि कई जिहड़े कहता अफसर बन चुके हैं कहता कई साढ़े खिडारी जिहड़े आ पहलवान भी कहता वह निकले है बने हैं। फिर बेटा कहता कि उसने पूछा कि इतने मंदिर गुरुद्वारे क्यों नहीं हैं जंज घर क्यों नहीं है तो सरदार लखा सिंह ने कहता कि दस्या कि बई कहता बस कहता की गल है कि पिंड के लोग जोड़े है ना वो रब न रब तो डरन वाले कहता कोई अडंबर पसंद नहीं करते इन्हों का रब उ कहता पूरा भरोसा है सब लोग आपो अपने घर ही कहता पाठ पूजा कर लेंगे तो जे दान दक्षिणा कर मन हो हल्टी वाले मूर्ति उत्ते कहता लंगर लवा देंगे जे सेवा कर मन हो बड़े राह दुआले दरख्त लवा देंगे पक्के दरवाजे की सफाई करवा देंगे कहता राह मिट्टी पवा दिया। ठीक है बेटा, तो इस तरह कहता कि साढ़े बजुर्ग कहते कि बच्चों का जो ब्याह है वो अपने घर में ही करना चाहिए है वो कहता बरकत होंगी है। कहता फिर नाले कहते हैं साढ़े पिंड के लोगों का यह विश्वास है कि कहता कि मंदिर गुरुद्वार वास्ते कहता जमीन क्यों बर्बाद करनी तो यह सब घर में ही किया जा सकता है। कहता जे कोई बरात आए तो किसी की भी कहता हवेली में बिठा दी कोई मना नहीं करता। फिर कहता सरदार जी ने कहता एक बार फिर कहता मेरा ध्यान खिंचया तो कहता साढ़े पिंड के न्याणे सियाने सब ऐतवार को स्कूल के खेड के मैदान में इकट्ठे होंगे कबड्डी तो देसी खेडा के मुकाबले होंगे मुकाबले तो बाद सब खिडारी अपनी अपनी रुचि मुताबक अभ्यास करते हैं। ऐतवार को खेड के मैदान में दूधा लंगर कहता लगता है
ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ 'ਚ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ NRI ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਮਦਦ ਜਿਹੜੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਫਿਰਨੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਦਾਚਾਰ ਖੁਦ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਰਦਾਰ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਸੋਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਆਗਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਗਰ ਪਿੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਵਿਗੜੇ ਹੀ ਨਾ।